वेलकम गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम NS200 ABS का कंप्लीट यूज़र रिव्यू करेंगे और हमारे साथ में है जयेश भाई। तो ये इस बाइक के ओनर हैं और थोड़ा सा इसका ABS भी टेस्ट करेंगे और अपना ओपिनियन भी आप लोगों को बताऊंगा कि ABS कैसा है इसका और अभी 1,20,000 की रेंज में NS200 ख़रीदना सही रहेगा कि नहीं, क्यों भाई। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक के लुक्स और डिज़ाइन के बारे में, देखते हैं कि भाई ये बाइक देखने में कैसी लगती है और भाई अपना ओपिनियन बताओ कि तुमने ये बाइक को क्यों पिक किया। मेरा पॉइंट ये था कि 1,20,000 के पॉइंट के अंदर जो है वैल्यू फॉर मनी मुझे बाइक मिल जाए जिसके अंदर पावर हो, जिसके अंदर लुक्स हो, एक अपना जो सेफ्टी मेजर अभी ABS जो अपना इंट्रोड्यूस हुआ है 1918 वाले मॉडल के उसमें, तो मेरा पॉइंट था कि सेफ्टी अच्छी हो जाए, ब्रेकिंग अच्छी हो जाए, पावर अच्छा मिल जाए, जो भी इसके अंदर स्पेसिफिकेशन है अपना लिक्विड कूलिंग सिस्टम। लुक्स के बारे में क्या है, मतलब लुक्स कैसे लगते हैं। जो ब्लैक कलर है एक अलग ही स्पोर्टी प्रीमियम और मस्कुलर लुक देता है। तो भाई लुक्स के मामले में अगर मैं बोलूँ ना, तो अभी ऐसा है कि आप अगर 1,20,000 तक की कोई भी बाइक सर्च कर रहे हो तो सबसे मस्कुलर लुक आपको NS200 में मिलता है। हालांकि अभी इसके कंपटीशन में आपको RTR 204 भी मिलती है, बट वो लुक थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लगती है। अगर आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है ना, फिर वहाँ पे आपको मज़ा नहीं आएगा आपकी, क्योंकि इसकी सीट हाइट थोड़ी सी कम है। तो यहाँ पे ये RTR 200 को बीट करती है लुक्स में। और बाकी लुक्स आप सब्जेक्टिव पोर्शन है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको RTR अच्छी लगती है या फिर NS अच्छी लगती है, है ना। और इसके फ्रंट लुक की बात करें तो भाई पर्सनली इसका मुझे फ्रंट लुक काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज़ मुझे लगती है कि अभी जो ABS वाला मॉडल आया था ना, तो यहाँ पे अगर इसमें ना LED हेडलाइट्स मिल जाती ABS के साथ, थोड़ा सा और अच्छा पैकेज हमें लगता। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि LED हेडलाइट्स सभी बाइक्स में इंट्रोड्यूस करी जा रही हैं धीरे धीरे। के रियर लुक की बात करें तो रियर लुक काफ़ी अच्छा है, आपको 130mm की वाइडनेस वाले टायर मिलते हैं जो कि ओवरऑल आपको ग्रिप भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करते हैं और पीछे से लुक भी अच्छा देता है वाइड टायर होने की वजह से। और इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो भाई अगर मेरा ओपिनियन बताऊँ तो पहले मैंने राइड किया, आप लोगों को भी पता है, और मैंने 2 NS200 को रिव्यू किया था पहले नॉन ABS वाले मॉडल की, तो वहाँ पे मैंने उसको राइड किया और जो सजेशन लिया जो यूज़र था उनसे, तो उनके हिसाब से बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और ये आपको बता दूँ बजाज बिल्ड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, चाहे 220 आप ले लो, कोई बाइक ले लो, उसकी जो बॉडी होती है, जो मटेरियल होते हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यूज़ होते हैं। चाहे आप ये स्विचेस की क्वालिटी ले लो, चाहे आप ये फ्यूल टैंक में जो ये प्लास्टिक यूज़ हुआ है उसकी क्वालिटी ले लो, सब बहुत अच्छे होते हैं। तो भाई अभी बताओ ये कितने किलोमीटर चल गई टोटल ये बाइक। ये गाड़ी अभी 4,000 किलोमीटर चल गई। तो गाइस जैसे कि आपको बता दूं ये बाइक अभी 4,000 किलोमीटर चल चुकी है, बट आपको स्क्रैचेस वगैरह नहीं मिलते हैं। जैसे इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, शाइनिंग भी आप देख सकते हो अभी है। अभी मैं आपको क्लिप्स डाल के दिखा दूंगा पूरी वीडियो में, तो आपको समझ आ जाएगा। तो यार बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये ब्लैक वाला जो कलर है ना, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, थोड़ा सा आपको एक क्लासिक लुक भी देता है स्पोर्टी के साथ साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है इसकी। बाकी इसकी सीट के बारे में क्या ओपिनियन है भाई, कैसी है सीट इसकी। सीट इसकी फ्रंट की और बैक की काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब राइडर को जो है राइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सीटिंग से भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया बजाज ने, काफ़ी अच्छी सर्विस दी। हाँ तो भाई हाँ बिल्कुल, इसकी सीट बहुत अच्छी है, मैंने भी राइड किया है और पिलियन कम्फर्ट काफ़ी अच्छी है और सीट मतलब ऐसी है कि आप काफ़ी वाइड सीट है, मतलब स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है सीट में। तो गाइस लुक्स के मामले में या डिज़ाइन के मामले में देखें तो बाइक काफ़ी अच्छी है। और हैंडल बार कैसे लगे भाई इसके, मतलब सिटी में अगर राइड करते हैं तो कैसे लगते हैं। सिटी में हो चाहे कैसे भी हो, मतलब राइडिंग पॉस्चर आपको कंफर्टेबल लगता है। ओके, तो गाइस राइडिंग पॉस्चर भी भाई को कंफर्टेबल लगता है। और गाइस मैं यूज़र रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला है कि पहले आप यूज़र रिव्यू करते थे और अभी आप यूज़र रिव्यू बंद कर दिए हो। ये तो हुई इस बाइक के लुक्स और डिज़ाइन की बात, अब बात करते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। तो गाइस इसमें आपको 199cc का 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन मिलता है और इसमें आपको 23.5 PS की पावर और 18.3 Nm का टॉर्क मिलता है। तो गाइस ये इसका इंजन है काफ़ी पावरफुल है, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पावर यही बाइक प्रोवाइड कर रही है, सिंपल सी बात है। अगर आप इसी प्राइस में आप RTR 200 को देखते हो तो उसकी पावर कम है, इससे 220 भी आती है इसी सेगमेंट में, उसकी भी थोड़ी सी पावर कम है। तो बेसिकली अपने सेगमेंट में सबसे पावरफुल बाइक है ये, तो पावर के टर्म्स में एक नंबर है, टॉर्क भी काफ़ी अच्छा है। तो और हाँ गाइस ये बाइक कार्बोरेटर सिस्टम पे वर्क करती है। तो भाई आपको बताओ, मतलब आपका ओपिनियन क्या है इंजन के बारे में, आपको इंजन कैसा लगा इसका। डेफिनेटली मुझे इंजन काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि इसके अंदर 6 गियर हैं, पावरफुल इंजन है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, तो राइड के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई भी समस्या नहीं आती। तो और हाँ गाइस एक बात और, इसमें आपको लिक्विड कूलिंग मिलती है जो कि RTR 204 VC सेगमेंट में आती है, उसमें आपको लिक्विड कूलिंग नहीं मिलती है। तो ये एक इसका काफ़ी अच्छा एडवांटेज है कि अगर आप लॉन्ग राइड करते हो तो, मतलब जैसे नहीं होता कि कूलिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इंजन हीटअप हो रहा है, ऐसा इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि इसमें आपको लिक्विड कूलिंग। अभी बात करते हैं इसका परफॉर्मेंस और देखते हैं कि रियल लाइफ में कैसी इसकी परफॉर्मेंस है और अभी 4,000 किलोमीटर का भाई का एक्सपीरियंस कैसा रहा।
भाई अभी ये बताओ इसमें टॉप स्पीड कितनी है तुम्हारी? मेरी टॉप स्पीड, मैंने इसको ज़्यादा भगाया तो नहीं है, बाकी इन टर्म्स ऑफ अगर टॉप स्पीड देखूँ तो भी नियरली मैंने 130 के आसपास इसको टच किया। तो भाई इसमें भाई की टॉप स्पीड है 130 और आराम से 140 प्लस भी जाती है। हाँ, बिल्कुल जाएगी 140। तो टॉप स्पीड काफ़ी अच्छी है इस बाइक की, पावरफुल इंजन है, पावर अच्छा है, मतलब टॉप स्पीड आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और स्टेबिलिटी क्या है, मतलब जैसे अगर 130 की स्पीड में तुमने चलाया तो स्टेबिलिटी थी 130 की स्पीड के ऊपर? हाँ स्टेबिलिटी थी, वाइब्रेशंस तो खैर वो तो बजाज की गाड़ी है आते हैं, बाकी स्टेबिलिटी फिर भी उन्होंने मेंटेन करी है। तो गाइस स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, अगर आप इसको मतलब अगर हाईवे के लिए पिकअप करते हो, आप लॉन्ग राइड करना चाह रहे हो, 200 cc की बाइक चाहिए तब भी आप इसको पिकअप कर सकते हो। माइलेज कितना है? माइलेज की टर्म्स में अगर बात करें तो माइलेज इसका समथिंग अराउंड 32 से 35 का माइलेज आया था। तो गाइस का भी जो भाई को माइलेज मिल रहा है 30 से 32, अभी माइलेज कुछ कम भी था, कुछ प्रॉब्लम पहले थोड़ा कम था, समथिंग अराउंड 27 या 28 का माइलेज आ रहा था। बाकी सर्विस सेंटर पे गए, उनने कुछ कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करी और उसके बाद से कुछ माइलेज बढ़ा है। आज की डेट में मुझे अभी 32 से 35 का माइलेज मिल रहा है। ओके, तो गाइज अभी जो एक्चुअल माइलेज है इसका 30 से 32 है, आप 35 तक भी ले सकते हो अगर आप सही से राइड करते हो तो, पूरा बाइक के मैनुअल को फॉलो करते हो तो। और हाँ भाई को माइलेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो गई थी, अभी 28 के अराउंड दे रही थी, मतलब जो भी कुछ प्रॉब्लम थी ट्यूनिंग वगैरह की, अभी सॉर्ट आउट हो गई ना, अभी अच्छा माइलेज मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। माइलेज भी आपको 30 प्लस निकालती है जो कि 200 cc के लिए काफ़ी अच्छा है। और इसी के साथ हैंडलिंग कैसी है सिटी में राइड करते टाइम? जैसे कि मुझे पता है तुम सिटी में रहते हो, बहुत भीड़ भाड़ एरिया है, तो वहाँ मतलब राइड करने में दिक्कत नहीं? कोई भी दिक्कत नहीं है, मतलब ट्रैफिक में भी दिक्कत नहीं है? तो हाँ हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। हाँ ब्रेकिंग कैसी लगी, क्योंकि भाई इसमें अभी है ABS, ठीक है, नॉन ABS तो हमने सभी ने राइड किया है, बिल्कुल करा है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई ABS कैसा है NS का, तो बताओ अभी 4000 किलोमीटर में ABS कैसा लगा, मतलब ब्रेकिंग? ABS की ब्रेकिंग अच्छी है, जैसे कि अपन को NS 200 के अंदर जो ABS है वो फ्रंट व्हील के ऊपर, ये सिंगल चैनल ABS है तो इट्स ऑपरेशनल ओनली ऑन द फ्रंट व्हील। तो फ्रंट व्हील के अंदर अगर ABS की बात करें तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी देती है, इम्प्रूव देता है, जो अपना रिस्क रहता है कि स्केडिंग का या फिर डिस्क लॉक होने का वो अवॉइड कर देता है, तो ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। हाँ तो गाइज ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है और ABS है तो थोड़ी सी आपकी सेफ्टी भी इम्प्रूव हो गई है, कि जैसे ब्रेकिंग में आपके ब्रेक लॉक नहीं हो जाते थे तो वो अब सब नहीं होता, तो ये अच्छी बात है, मतलब ABS मिल गया है इसमें तो बहुत अच्छी बात हो गई है। ये तो हुई ब्रेक की बात, अब बताओ भाई टायर कैसे हैं इसके, जो टायर हैं मतलब ग्रिपी टायर हैं? हाँ टायर ग्रिपी है, इसके अंदर दो ऑप्शंस आते हैं, एक MRF वाले आते हैं, एक यूरो ग्रिप वाले आते हैं। अच्छा, तो मैं प्रेफर करूँगा MRF वाले, क्योंकि MRF वालों जो टायर हैं उनकी ग्रिपिंग काफ़ी अच्छी है, सॉफ्ट कंपाउंड टायर दिया है, बाकी यूरो ग्रिप वाले तो मुझे इतने समझ नहीं है। और हाँ इसी के साथ एक चीज़ और बताओ मुझे, कि जैसे तुम राइड करते हो कभी पिलियन के साथ राइड किया, मतलब किसी को पीछे बैठा के? पीछे बैठा के तो उसको मतलब कंफर्टेबल रहता है वो? हाँ पीछे का भी कंफर्टेबल है, इतना कुछ दिक्कत नहीं आती है पिलियन को भी। तो गाइज़ ये कंफर्टेबल है ही, मतलब पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को डाउट रहता है कि भाई पिलियन के लिए बाइक लेना है या फैमिली के साथ राइड करूँगा तो पिलियन सीट कैसी है, कंफर्टेबल है कि नहीं है? तो बिल्कुल कंफर्टेबल है, और जैसे कि आप ये देख भी सकते हो कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, तो ये अच्छी बात है। और अभी बताओ, ये तो हो गया कंप्लीट रिव्यू, अब इसमें प्रॉब्लम कौन सी लगी, मतलब जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम आई होगी जहाँ तक मुझे लगता है? थोड़ी सी दिक्कत मुझे आती है ब्रेक के अंदर, अभी रिसेंटली चालू हुई है ये ब्रेक पैड के अंदर, इसकी थोड़ी सी दिक्कत आती है कि ब्रेक पैड थोड़े से ख़राब हो रहे हैं अभी। अच्छा। और एक दिक्कत ये आती है जो साइड ग्लास है ना, इसके अंदर इनको थोड़ा सा जो है बाहर, बजाज को जो है थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना चाहिए था ताकि रियर व्यू अच्छा मिल जाए। हाँ गाइस ये प्रॉब्लम हाँ मुझे लगी इसमें, कि इसका जो रियर व्यू मिरर है ना वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब आपको जो इसमें तो आपका ना पूरा व्यू नहीं मिलता है, आधा तो आपको शोल्डर वगैरह कवर करता है, थोड़ा सा बाहर रखना चाहिए था। तो गाइस ये छोटी सी प्रॉब्लम थी, पहला तो ये रियर व्यू मिरर, दूसरा ये अभी ब्रेक शू कुछ भी ख़राब हो रहा है। हाँ। वो कुछ प्रॉब्लम कुछ मेजर नहीं है। हाँ मतलब वो हो जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि आपके साथ होगा, इनके साथ हुआ बस ऐसा। तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा पैकेज आप ले सकते हो, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है, 200 cc की वन ऑफ द बेस्ट बाइक है। और प्राइस कितनी ऑन रोड कितनी पड़ी थी तुम्हें भाई? ऑन रोड मेरे को 1,20,000 रुपये में ऑन रोड पड़ गई थी। तो गाइज ये ABS वाला मॉडल है, और ABS वाले मॉडल की जो भोपाल में ऑन रोड प्राइस है 1,20,000 रुपये, और बाकी ऑन रोड प्राइस थोड़ी बहुत सिटी टू सिटी वेरी करेगी, स्टेट टू स्टेट वेरी करेगी, तो आप ही अपने नियरेस्ट डीलर पे जाके कंफर्म कर लेना क्या ऑन रोड प्राइस है। बाकी अगर मैं इसकी एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो इसकी एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस है नॉन ABS वाले मॉडल की 1,00,000 और ABS वाले मॉडल की 1,09,000 रुपये, तो प्राइस काफ़ी अच्छा है। आपको अगर 1,10,000 या 20,000 की रेंज में कोई अच्छी बाइक चाहिए, नेकेड में बाइक चाहिए, तो NS 200 आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सर्विस भी काफ़ी अच्छी है,
थोड़ा बहुत सर्विस में प्रॉब्लम आती है कहीं कहीं पे, बट अगर आप अच्छा सर्विस सेंटर सर्च कर लेते हो तो फिर वो अच्छी बात हो कि वहाँ पे आप अच्छी सर्विस ले सकते हो। तो ये था इसका कंप्लीट रिव्यू, बाकी बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सी यू सून।